Hare
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। वैदग्ध सिन्धुरनुरागैक सिन्धो लावण्य सिन्धुरतिसान्द्र कृपायिक सिन्धु लावण्य सिन्धुर रसमूर्ति कृपायुग सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदके सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधारमण आसी शोचान ना उठिल उठि ना पीछे भी बैठा गड़ा सब आगू का सब वाह वाह छक्का मार सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग दो दिन पहले श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक समय नगर भ्रमण करते करते कहते श्री देवानंद पंडित को साथ में साक्षात्कार हो गया तो महाप्रभु उसको देख करके बड़े क्रोध दिए हैं। बोले क्यों क्रोध किए? बोले वो भागवत पढ़ा रहा था, लेकिन भागवत क्या है? बोले भागवत केवल भक्ति रस है। भागवत केवल में केवल भक्ति रस ही वर्णना की गई भागवत में, इसलिए कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित। अगर जीवन में भागवत रस को कोई प्राप्त कर लिया तो उसको और किसी रस में उसकी और रुचि नहीं रह जाती, इसलिए भागवत में केवल रसी रस है। और विशेष करके भागवत में द्वादश स्कंध है और दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद और दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद और उसमें जो हसी क्या है कद हसी कति रास लीला इसमें ये हसी है। हैं तात्पर्य है भागवत का सार श्री दसम स्कंध। दसम स्कंध में केवल कृष्ण कथा, अरे कृष्ण कथा में जो सार है ये रासलीला है। रासलीला मतलब क्या है? बोले रसा नाम समाहिति रास, जहाँ पर केवल रसी रस और कुछ है ही नहीं, जहाँ पर राधा कृष्ण की दिव्य मिलन, जहाँ पर श्रीमद् भागवत में। और जिस रासलीला को दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर भी गोपीश्वर बन करके रास दर्शन करने के, स्वयं श्री भोले बाबा भी स्वयं जिसमें आए हुए थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को बड़े क्रोध किया। बोलिए बेटा
भागवत तो पढ़ाता है, लेकिन भागवत का जो सार भक्ति है, ये भक्ति विषय में इसका कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कहते भागवत का अर्थ वास्तव रूप में कौन समझ सकता है? कहते भागवते अचिंत ईश्वर बुद्धिजार से जानय भागवत अर्थ भक्ति सार। कहते भागवत को कौन समझ सकता है? बोले वही समझ सकता है भागवत अचिंत ईश्वर बुद्धिजार। कहते भागवत में जिनको साक्षात ईश्वर बुद्धि, जिनकी साक्षात हुई है, कहते वही व्यक्ति भागवत का जो अर्थ भक्ति का सार केवल वही समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषह कलो नष्ट दिशा में स पुराण अर्क अधुना। जब भगवान ये जगत छोड़ करके चले गए, कृष्ण स्वयं तेन अयम बांगमय मूर्ति, भगवान शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुई। इसलिए जो भागवत है क्या है? कदि ये साक्षात कृष्ण है। कद जिनको ये बुद्धि हो गया भागवत नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है, कद वही व्यक्ति भागवत का सार जो भक्ति केवल वही समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमान महाप्रभु भ्रमण करते करते जब श्रीवास पंडित को साथ में उनकी भेंट हुई, इसको देख करके उन्होंने श्रीमद भागवत को, उन्होंने बोले तुम्हारी जो भागवत पाठ का तो इसको फाड़ दूंगा। बोले क्यों फाड़ दूंगा? बोले भागवत जो भक्ति रूप की रस स्वरूप है, तुम भागवत को भक्ति रस को साथ में तुम व्याख्या नहीं करते हो, सुखा तुम्हारी हृदय है, सुखा तुम्हारी हृदय है। इसलिए महाप्रभु को याद आया ये घटना। बोले उसको पर क्यों क्रोधित हुए? बोले घटना क्या है? बोले एक समय श्री देवानंद पंडित पाठ कर रहा था, भागवत पाठ कर रहा था। अभी श्रीवास पंडित जब देखा भागवत कथा हो रही है, तो उन्होंने गए और बीच में बैठ करके कथा सुनने लगे, और कथा सुनते सुनते उन्होंने एक श्लोक वर्णना किया। कौन सा श्लोक है बोला? कद बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वास कनक कपिशयम वैजयन्ति च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। यदि ये श्लोकों को श्रीमद राधारानी कृष्ण का स्वरूप का वर्णना करते हुए उन्होंने श्लोक बोले, और जो श्लोक साक्षात राधा रानी की मुंह से जो श्लोक निकली है, श्याम सुंदर कितने सुंदर कितने प्यारे, वो श्लोक कितना सुंदर नहीं होगा? इसलिए जब उन्होंने जिस श्लोक को सुन करके नित्यानंद प्रभु एकदम पागल जैसे उन्माद बद होकर के नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे, प्रेम में उछल कूदे, नित्यानंद प्रभु प्रेम में विभोर हो गए। कहते श्रीवास पंडित ये श्लोक को सुन करके उनके शरीर में अष्टसात के प्रेम प्रकट हुआ, नाचे कूदे लौट पोट खा रहे थे। इतने में जैसे गुरु वैसे चला भी दे हुआ ना, गुरु का हृदय में तो भक्ति है नहीं, पर चले को हृदय में फिर आए भक्ति कहाँ से आएगी? जैसे गुरु वैसे चले, इतने में जो चले लोग थे बोले कहाँ थे, एक उत्पात आ गया है, कथा हो रही है भागवत कथा, चुपचाप बैठ कर सुनोगे और नाचना कूदना क्या लौट पोट खाने से? इतने में देवानंद पंडित इसको निकाल दो वैसे बेकार, कहाँ से बीच में आकर के है ये डिस्टर्ब करने शुरू कर दिया। जितने चेले लोग ना उनको पकड़ करके बाहर उनको निकाल दिया। लेकिन श्रीवास पंडित बड़े दुखी होकर चले गए, लेकिन महाप्रभु को ये बात याद है। इसलिए महाप्रभु जब मिले श्री देवानंद पंडित से, महाप्रभु ने बड़े उसको शासन किया है। बोले जानते हो ये श्रीवास पंडित कौन है? कहते ये श्रीवास पंडित ऐसे हैं, गंगा भी जिनका स्पर्श इच्छा करे, गंगा जिनके चरण स्पर्श पा करके गंगा स्वयं अपने आप को पवित्र मानती हैं, और जिनके हृदय में स्वयं भगवान के विद्यमान हैं। इसलिए तुम ऐसे व्यक्तियों को घर से तुमने निकाल दिया, साक्षात ये भागवत, तुम तो ग्रंथ भागवत कथा कर रहा था, लेकिन श्रीवास पंडित कौन है? कहते ये स्वयं भक्त भागवत है। तो बेटा तुम भागवत संबंध में कुछ भी भागवत का भाव ही नहीं जानते हो। महाप्रभु देवानंद पंडित को बड़े उन्होंने शासन किया, बड़े विद्वान था, बहुत बड़े विद्वान था, लेकिन महाप्रभु ने बड़े शासन किया। लेकिन देवानंद पंडित ने
महाप्रभु के शासन तो सुने लेकिन स्वयं स्वयं उन्हें लज्जित हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोले ही नहीं हैं, इसलिए बोले ही नहीं, महाप्रभु के पास में हैं प्रणाम किया और कुछ बोले ही नहीं। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तद भागवत तुलसी गंगा ये भक्त जने, चतुर्था विग्रह कृष्ण एई चारि सने, जीवन न्यास करले से मूर्ति पूजा है, जन्म मात्र एई चारि ईश्वर भेद गए। यहाँ पर महाप्रभु जब देवानंद पंडित को उन्होंने शासन किया है, तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भगवान किसको शासन करी एक साधारण बात है, ये साधारण बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये शासन को पा करके अपना जीवन को कृत्य कृत्य माने, महाप्रभु जिसको शासन कर लिया इसका मतलब उनका जीवन धन्य हो गया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ना, एक तो परिहारे जो पापी निंदा करे तभी तार लाती मार सिरे ऊपर, कहते नित्यानंद प्रभु कहते ना महिमा, लेकिन इतना महिमा सुनने का बावजूद भी अगर कोई नित्यानंद प्रभु को निंदा करे तो क्या कर उसको सर ऊपर में लात मारता हूँ, बोले इतने बड़े वैष्णव होकर लात मारता हूँ है लात मारता हूँ, बोले भैया वैष्णव का लात किसको मिलता है, वैष्णव का लात किसको मिलता है, अगर वैष्णव लोग इसको लात मार दिया ना किसको शासन कर दिया, बस बेड़ा पार हो गया, उसको उधार हो गया है, इसलिए वैष्णव का शासन सहज में किसको नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं देवानंद पंडित बड़े भाग्यवान है जिनको महाप्रभु शासन किया, तो उनने शासन को स्वीकार कर और बाद में क्या हुआ भक्त हो गए, महाप्रभु का भक्त बन गए। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो गौड़ीय मठ सबसे जो पहले गौड़ीय मठ स्थापन किया, नाम क्या रखा देवानंद गौड़ीय मठ, उन्होंने नाम रखा देवानंद गौड़ीय मठ। देवानंद गौड़ीय मठ क्यों नाम रखा, उन्होंने ये शिक्षा दिया है हाँ, वहीं पर महाप्रभु उनको दंड दिया था और इसलिए रखा, कहते भागवत का जो तात्पर्य जो वहां पर एक मूर्ति दिया है, कैसे महाप्रभु भागवत को फाड़ फाड़ रहे हैं, मतलब कह शिक्षा दे रहे हैं जिस भागवत में तो भगवान की भक्ति को व्याख्या नहीं करते हो, ऐसे भागवत पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर, भागवत को फाड़ देनी चाहिए है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कभी ये चार वस्तु में भगवान का निवास है, कहाँ पर ये श्लोक याद है ना, बोलो क्या क्या, भागवत गंगा तुलसी भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चार ही सने, भगवान की चार वस्तु में भगवान की निवास। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं, बोले क्या बता रहे हैं, बोले जीवन न्यास करिले से मूर्ति पूजा है, जैसे कोई मूर्ति जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे सरस्वती पूजा होता है, देवी पूजा, गणेश पूजा होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जीवन न्यास करते हैं, उनका आंखों में है, उनको आंखों में है पानी दे करके और उनको प्राण स्थापन करते हैं है, जीवन न्यास करते हैं, जीवन न्यास करने का बाद फिर वो मूर्ति की पूजा की जाती है, तभी पूजा की जाती मूर्ति है, है। लेकिन बोले जन्म मात्र यही चारी ईश्वर वेद कहे, लेकिन जो चार वस्तु है ना ये जन्म मात्र से ही, कहते ये क्या है, कहते ये जन्म मात्र यही चारी ईश्वर वेद गए, कहते इनका जन्म मात्र से ही ईश्वर है। जैसे तुलसी है, तुलसी छोटी पौधा जन्म होती है, हम क्या करते तुलसी वृंदाए तुलसी देवी प्रिया केशव सच कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्य, हम तुलसी को पूजा करते हैं, कोई वैष्णव को दर्शन करते हैं, हैं वैष्णव दर्शन ही क्या करते हैं, अब पंचाकल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भाई बचो पतितानां पावने भो वैष्णव विभन्न मनो, वैष्णव को दर्शन मात्र पूजा करते हैं। भागवत हैं बस कागज में लिख दिया, कागज में लिख दिया भागवत का श्लोक, बस भागवत को रखते ही भागवत को पूजा करते हैं, हैं। और गंगा, कहीं भी गंगा दर्शन कर लिया ना नदी को, बस दर्शन करते गंगा को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जन्म मात्र यही चार ईश्वर वेद कही, जो चार ही है वो जन्म मात्र से ही ये ईश्वर है, जन्म मात्र से ही ईश्वर है। इसलिए कहते ये अभी द्वाबीस अध्याय को वर्णन कर रहे हैं, कहते इसी अध्याय में ये वैष्णव अपराध, देखो करी जगह पर चैतन्य भागवत में हम प्राय जगह में वैष्णव अपराध
हर समय आप देखना करी करी सब अध्याय में कहीं ना कहीं इन्होंने वैष्णव अपराध का विषय में सतर्कता करा रही, सब जगह में करी करी। जहाँ अभी वैष्णव अपराध उन्होंने अपराध को सिखा दिया, उसको पहले भी दिया था, हर अध्याय में करी करी वैष्णव अपराध को सावधान कर रहे हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भी बोले, क्या बोले, बोले देखो भक्ति अगर कम हो तो कोई बात नहीं, भक्ति अगर कम हो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी वैष्णव अपराध नहीं होनी चाहिए है। इसलिए महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यंग बतंग राजन विश्वास नहीं हो जाते, जिनका कम पुण्यवान है कहते चार वस्तु में इनकी विश्वास नहीं होता है, उसमें एक वैष्णव है। कहते ये जो द्वादश द्वाभिश अध्याय है इसमें वैष्णव अपराध कितने खतरा है, इसी विषय को यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद गुरु है वैष्णव अपराध विषय में गुरुत्व प्रदर्शन करके हर साधकों को सतर्क कर रहे हैं है। वैष्णव ठाई जा रहे अपराध कृष्णा कृपा है ले प्रेम तार प्रेम बाद है। बोले वैष्णव मेरा ठाई जा रहा है अपराध, जिनको वैष्णव चरण में अपराध हो जाता है, बोले कृष्ण कृपा है लो तार प्रेम बाद, भले ही उसके ऊपर भगवान का कृपा हो जाए, उसके ऊपर में कहते कृष्ण कृपा है ले ओ, भले ही उसके ऊपर कृष्ण कृपा हो गया, भगवान की कृपा हो गया उसके ऊपर, ठाकुर स्वयं कृपा करती है, लेकिन उसको प्रेम नहीं मिलेगा, उसको प्रेम नहीं मिलेगा, मतलब इतने वैष्णव खतरा है अपराध। बोले जैसा चिर गर्भ गौरव चंद्र अवतार वैष्णव अपराध पूर्व आछिलता, यहाँ से क्या दे रहे हैं, जैसा चिर गर्भ गौरव चंद्र अवतार साक्षात भगवान, जिनकी गर्भ से भगवान स्वयं जन्म हुए, कहते वैष्णव अपराध पूर्व आछिलता, कहते ऐसे माता का भी पहले से ही वैष्णव अपराध था, जो भगवान को साक्षात जन्म दिया है हैं, उनको भी वैष्णव अपराध था हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु स्वयं अपराध कुछ ये प्रेम दिए, महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने स्वयं उनके अपराध को खंडन करा के तभी उनको प्रेम प्रदान किया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कहते एक वैष्णव अपराध और एक नाम अपराध है। कहते ये कृष्ण भजन में है, ये कृष्ण भजन में बड़ा ये गड़बड़ी है, कृष्ण भजन में ये दो चीज है, एक वैष्णव अपराध और एक नाम अपराध। कहते कृष्ण भजन है तो बड़ा ये दो चीज बड़े बाधक हैं, इसलिए और इसमें इसलिए इसमें जो नाम अपराध प्रसंग में साधु निंदा वर्जनीय यहाँ पर कह रहे हैं, फिर किसको चरण में अपराध था, अपराध था। इसलिए कहते श्री अद्वैत चरण में सच्ची माँ की अपराध थी। इसलिए एक समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने विष्णु के खटिया के ऊपर बैठी गई और शालग्राम को महाप्रभु अपना गोद में लेकर के, महाप्रभु शालग्राम को लेकर के विष्णु की खटिया के ऊपर बैठी गई। अब बैठ करके क्या बोल रहे हैं, बोले मुई कलिजुगे कृष्ण मुई नारायण मुई राम रूपे कैलो सागर बंधन है। इसलिए कहते मुई कलिजुगे कृष्ण, कहते मैं ही कलिजुग में मैं ही कृष्ण हूँ है कृष्ण। इसलिए मुई कलिजुगे कृष्ण मुई नारायण मुई राम रूपे कैलो सागर बंधन, मतलब मैं ही कृष्ण था मैं ही राम था और मैंने क्या किया, सागर में जो सेतु किसने बांधा, मैंने ही सेतु बांधा हूँ। इसलिए सुति आचिन खीरा समुद्र सागरे और निद्रा भंग है लमोर नाड़ा रहो करे, मैं ही कहां पर सो रहा था, सुति आचिन खीरा समुद्र सागर में मैं शयन कर रहा था, लेकिन ये अद्वैत आचार्य जन मेरे को आह्वान करने पर मेरा आसन उसने हिला दिया और अद्वैत आचार्य के लिए मैंने इसी जगत में मैंने अवतीर्ण हुआ हूँ है। ये अद्वैत आचार्य के लिए मैंने यहाँ पर अवतीर्ण हुआ हूँ। इसलिए बोले प्रेम भक्ति दीते मोर आगमन, कहते मैंने जगत कलयुग में महाप्रभु रूप में क्यों आया, सबको मैं प्रेम भक्ति देना चाहता हूँ। इसलिए जब उन्हें बोल रहे थे इतने में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को सर के ऊपर छत्र धारण कर लिया, गदाधर पंडित महाप्रभु को सुंदर तांबुल प्रदान कर रहा था और कोई उनको चामर ढुला रहा था और महाप्रभु बोले जिसका मन में जो इच्छा हमें परमागो,
जिसकी मन में जो कुछ इच्छा है मेरे से मांग लो, आज मैं सबको सब कुछ वरदान दूंगा। जो बोले जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, सबके सब वर मांगे। किसने कहा प्रभु हमें ये कृपा करो, हम जो भजन करते हैं ना पिताजी बड़े डिस्टर्ब करते हैं, हम पिताजी भक्ति करने देते हैं, हमको यही आशीर्वाद दो जैसे हमारे पिता प्रसन्न हो जाए, भक्ति में बाधा नहीं दे। महाप्रभु बोले तथास्तु। किसने बोला मेरे मैया बड़ी भक्ति में बाधा देती है, हमें ये आशीर्वाद दो जो माँ हमें कोई भक्ति में बाधा नहीं दे। महाप्रभु बोले तथास्तु बोलती है। किसने बोले हमको यही आशीर्वाद दो जैसे हमारे गुरु जी के चरण में हमारी भक्ति और प्रेम बढ़े। बोले तथास्तु। किसने कहा मेरे जो शिष्य के प्रति आशीर्वाद दो, कोई बोले मेरे पुत्र का प्रति आशीर्वाद दो, किसने बोले मेरे पति को कृपा करो जैसे भक्ति में आए। इसलिए जो जो भक्त के घर में जो जो समस्या था ना, सब महाप्रभु के पास में मांगे, महाप्रभु सबका आशीर्वाद दिया। बोले जाओ सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो भक्ति में तुम्हारी प्रतिकूल है आज से सबके सब अनुकूल हो जाएंगे, सबको सब कृष्ण भक्ति मिलेगा। इतने में महाप्रभु जब सबको भक्ति दे रहे थे, इतने में श्रीवास पंडित बोले बोले प्रभु आपको तो सबका आशीर्वाद दिया, जो आई है ना, आई कौन है, सची माँ। बोले उनको भी तो आशीर्वाद दो, आई खड़ी हुई अब तो उनके प्रति कुछ बात ही नहीं बोल रहे हो, उनको भी प्रेम प्रदान दो। इतने में महाप्रभु बोले देखो आई को मैं भक्ति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आई ने सची माँ ने वैष्णव अपराध किया है, वैष्णव अपराध किया है। इतने में इसको सुन करके श्रीवास पंडित बड़ा आश्चर्य हुए, बोले सची माँ ने वैष्णव अपराध किया, सची माँ कौन है, जो तुम्हारी माँ है, भगवान की माँ सची माँ है। बोले इनको वैष्णव अपराध हो सकती है, जगत जननी जिसका तुम स्वयं बेटे हो, हैं, जिसका तुम स्वयं बेटे हो और माँ के लिए बोल रहे हो वैष्णव अपराध हुआ। ठीक है अगर उन्होंने वैष्णव अपराध कर लिया तो एक काम करो, उनका वैष्णव अपराध खंडन कर दो, खंडन करके प्रेम प्रदान कर। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, कहते प्रभु बोले उपदेश करीते पारी वैष्णव अपराध आमी खंडाइते नारी। भगवान स्वयं कहते हैं, कहते हाँ मैं सब कर सकता हूँ, है क्या कर सकता हूँ, प्रभु बोले उपदेश करते पारी, कहते मैं उपदेश कर सकता हूँ, लेकिन कहते वैष्णव अपराध आमी खंडाइते नारी, लेकिन जो वैष्णव अपराध है ना मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कौन कह रहे, ये भगवान स्वयं कह रहे। इसलिए दुर्वासा जब भगवान के पास गए ना नारायण तक, भगवान नारायण क्या बोले, बोले अगर कांटा अगर प्यार से गड़ गया ना सर में नहीं निकलेगा और प्यार से निकलेगा, हैं। इसलिए गोपाल चापाल जब महाप्रभु के चरण में गए, जब उनको गलित कुष्ठ हो गया, कूड़ हो गया सब, वो गए महाप्रभु के पास में, महाप्रभु क्या बोले, पाए कांटा पुत्र लेके सिरे निकाले, अरे प्यारे से कांटा चुभने पर सर में निकलेगा और प्यारे से निकलेगा, तुमने अपराध जहाँ किया वहीं पर जाओ। इसलिए महाप्रभु कहते वैष्णव अपराध हमी खंडाइते नारी, ये वैष्णव अपराध को मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले जे वैष्णव स्थाने अपराध है जार, पुनः सही ख्या मिले से गुच्छे नहीं यार। अगर जिन वैष्णव के चरण में हमारा अपराध हो जाता है, अगर उनको चरण में जाकर माफी मांगे, वही अगर हमें क्षमा कर तो जाकर खंडन हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोज रोज क्या करते हैं, जब हमारी कीर्तन समाप्त हो जाता है, परिक्रमा समाप्त, हम क्या करते हैं, अच्छा गल दुर्भस कृपा सिंधु भाई वच पतिता नाम पावन वैष्णव, दिन हम तीन तीन बार करते हैं कीर्तन के बाद में, हर समय ये श्लोक पढ़ते, किस लिए श्लोक पढ़ते, जैसे हम लोग यहाँ पर जितने रह रहे वैष्णव लोग सब रह रहे, जान अनजान में किसके चरण में कहीं अगर अपराध हो गया तो, है जान अनजान में जो पास में रहते हैं ना, पास में रहने पर कभी गड़बड़ी होता है, पास में रहने पर साधारण साधारण ज्ञान हो जाता है, हैं, अरे ये व्यक्ति ये है, ये क्या जानता है, हम तो ता इधर उधर से बात कर लेते हैं ना, इसलिए क्या होता है वो अपराध हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो तुलसी बता बोलते ना, छोटा नहीं होता बड़ा नहीं होता, वो बड़ा में जितना सकते छोटे में भी उतना सकती है, हैं। इसलिए वैष्णव अपराध किसके चरण में नहीं हो जाए, इसलिए हम रोज क्या करते हैं, बादशाह कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भाई वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः बोलकर सबको हम क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं दुर्वासार अपराध अम्बरीश स्थाने नाड़ार स्थाने ते आछे तान अपराध
अद्वैत क्षमा कर ले प्रेम मेरे प्रसाद। इसलिए यदि जो माँ का जो अपराध है इसको चरण में कहते अद्वैत चरण नारायण स्थान आचे अपराध आचे, अगर ये अद्वैत अगर माफ करता है फिर तो सच्ची माँ की अपराध खंडन हो सकता है। अद्वैत चरण धूली लाई ले माथाई हई वे के प्रेम भक्ति अमार आज्ञा। महाप्रभु घर में आज्ञा देता हूँ तभी माँ को मैं अपराध से क्षमा कर सकता हूँ। अगर मेरी माँ स्वयं जाए और अद्वैत आचार्य चरण में माफी मांगे और अपना चरण धुल ले। देखो भगवान स्वयं कहते हैं अपना माँ को भी छोड़ नहीं रहे, बोले अगर माँ जा करके माफी मांगे। इसलिए आप लोग जब पढ़ रहे थे ना माधुर्य का दमनी, वहां पर वैष्णव अपराध आया है। अगर कोई सोचे अरे क्या जरूरत है इनको चरण में माफी मांगने का, क्यों शास्त्र में बताया अगर हरिनाम कोई करे ना ये वैष्णव अपराध तक भी खत्म हो जाता है। वैष्णव हरिनाम करने से कंटिन्यू हर समय कोई हरिनाम करे और वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हरिनाम कर लेंगे अरे इसको चरण में क्या जरूरत है, हम कितना छोटा बनना पड़ेगा, कहते ज्यादा अपराध हो जाएगा। अगर ये सोच करके नहीं जाए ना तो और ज्यादा अपराध हो जाता है, और ज्यादा अपराध हो जाता है। क्योंकि जो वैष्णव है ये भगवान का नाम ये चिन्मय साधारण वस्तु नहीं, ये चिन्मय है ये समझते हैं। इसलिए वहां पर कहते हैं अगर हमारी हमारी वजह से किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गया क्या होता है, जाकर जब तक उनको चरण में माफी नहीं मांगते हैं और जब तक वो वैष्णव हमारी अंदर में पश्चाताप है उसके लिए, वैष्णव अपराध के लिए हमारे अंदर में पश्चाताप है, जब वो चीज को वैष्णव वो दर्शन करता है देख करके उसका हृदय जब द्रवीभूत होता है ना फिर जाकर अपराध क्या मानता है। वो अगर देखे नहीं जो अपराध है क्या इसके लिए उन्होंने पश्चाताप कर रहे हैं उसके लिए ये दुखी है सचमुच से दुखी है, हैं तभी जाकर के वैष्णव अपराध नष्ट होता है, हैं। इसलिए यहाँ पर जब यहाँ पर कहते हैं मेरे आज्ञा है, क्या आज्ञा है, अद्वैत चरण धूल लेना पड़ेगा माँ को, है। इतने में फिर कथा सुन करके सब भक्त अद्वैत आचार्य जी के पास में गए जा करके सब बात तो बोले। महाप्रभु कह रहे हैं सच्ची माँ को प्रेम नहीं दे रहे हैं, बोले सच्ची माँ के चरण में सच्ची माँ है तुम्हारी चरण में सच्ची माँ की अपराध है, तुम जब तक माफ नहीं करोगे ना माँ को भगवान महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे। इसको सुनते ही अद्वैत आचार्य जी तो कान में अंगुल डालते, बोले क्या बोल रहे हो, ये माँ है जगत जननी जिसकी गर्भ से महाप्रभु में जन्म हुआ हूँ, क्योंकि जगत का माँ है, हैं? ये सच्ची माँ ये साक्षात माँ जसोदा है, ये साक्षात माता देहूती है, कभी ये कौशल्या साक्षात है, हैं? ये साधारण है सबका माँ है, ये सच्ची माँ में सबको सबको सब सब अवतार का जितना माँ तदात्मा होकर के सच्ची माँ के अंदर में आए, भले इनके चरण विष्णु 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 विष्णु। इसलिए अद्वैत आचार्य बोले हे भगवान क्या बोल रहे हो, सच्ची माँ मेरे चरण में अपराध हो गया। बस अद्वैत आचार्य तो सुनते ही एकदम कृष्ण प्रेम में सच बिहोल हो गया अद्वैत आचार्य, वहीं पर अद्वैत आचार्य बेहोश होकर गिर पड़े। जब बेहोश होकर गिर पड़े इतने में सच्ची माँ बस मिल गया मौका मिल गया, क्योंकि जब जब तक बेहोश नहीं होंगे ना सच्ची माँ को चरण धूल लेने देंगे अद्वैत आचार्य कभी नहीं देंगे। इसलिए जब वो बेहोश हो गए इतने में सच्ची माँ जाकर के अद्वैत आचार्य का चरण धुल ले लिए। जब उन्हें उनकी चरण धुल लिए चरण धुल लेने पर और वहां पर कहती वो कौन है, भले ये विष्णु भक्ति स्वरूपिणी साक्षात है। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर हैं, वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं भले प्राकृत शब्द जो बोली वे आई आई शब्द तार दुख नाय, कहते आई आई हमारे उड़ीसा में आई किसको कहते हैं, पिताजी की माँ को आई कहते हैं ना, किसको कहते हैं माँ को माँ की माँ, इसलिए आई कहते प्राकृत शब्द के बाद जब बोली वे का आई साधारण शब्द में अगर कोई सच्ची माँ यहाँ आई कह रहे अगर प्राकृत शब्द में अगर कोई आई शब्द बोले ना आई शब्द प्रभावित दुख नहीं, प्राकृत शब्द में भी ये आई शब्द की इतने महत्व सच्ची माँ की है तभी तार दुख नहीं। कहते तिनी गंगा जसोदा आई तो बोले मूर्छित है, बोले आचार्य चरण धुरी लिया जखने बिहोल पड़ी ला आई बाज्य नहीं जाने। इतने में सच्ची माँ ने किया कि जाकर के श्री अद्वैत आचार्य का चरण धुली लेकर के महा श्री अद्वैत आचार्य भी बेहोश हो गए और सच्ची माँ भी महाप्रभु के प्रेम में दोनों ही बेहोश हो गए हैं। फिर दोहे दोहार प्रेम अचेतन
सब हरी, वहां पर जितने भक्त लोग थे जब ये लीला आपको देखा ना, सबके सब ललिताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी गौर बोले श्री सचिनंदन गौर हरी की जय। सब भक्त लोग ने जय धन दिया, बोले जन निरे लख्य सिख्या गुरु भगवान कराए न वैष्णव अपराध सावधान। इसलिए महाप्रभु अपना माँ को लख्य करके हैं सिख्या देते हैं। क्या सिख्या देते हैं? वैष्णव अपराध से सावधान कराते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुलो पानी समझती वैष्णव निंदे तब तार नाश जाए कहे शास्त्र वृंदे। यहाँ पर कहते सुलो पानी कौन है? ये शंकर जी कहते सुलो पानी समझती वैष्णव निंदे। सुलो पानी मतलब शंकर जी है। अगर शंकर जैसे, शंकर तो कभी वैष्णव बनाते करेंगे नहीं, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है। इसलिए शंकर जी क्या करते हैं, ये पार्वती को पहले सुनाए ना, ये पार्वती को गोद में लेकर शंकर क्यों बैठे हुए? कारण है कहीं भी, कहीं पृथ्वी का किसी कोने में क्यों नहीं हो, अगर एक बार कोई कृष्ण शब्द बोल दे, एक बार कोई राम शब्द बोल दे ना, कोई एक बार शंकर जी जहां रहते हैं वहीं से प्रणाम करते हैं। उनको वैष्णव मान करके प्रणाम, भगवान का नाम। इसलिए जब जीवाग्र बरतते नाम तुभ्यम, बोले जीवाग्रे जिनके बोले जीवा के अग्र में जिनका भगवान, अगर कोई प्रभु का नाम लेता है क्या समझो, पूर्व जन्म में सारे पुण्य कर्म करके आए, सारे तप यज्ञ तपस्या दान सब कुछ करके आए, एक बार कोई नाम लेने पर क्या होता है? शंकर जी प्रणाम करते। और पार्वती क्या करती है? दिन रात भगवान की नाम जप करती है, वैष्णव ही है। अगर जो दिन भर नाम जप करते शंकर जी, इसलिए शंकर जी उनको गोद में बैठा, उनको गोद में बैठा कर ऋषि मुनियों के सामने तब तो ज्ञान उपदेश देते हैं। क्यों? पार्वती परम वैष्णवी, परम वैष्णवी पार्वती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते सुलोपानी समझदि, सुलोपानी कभी अपराध नहीं करेंगे शंकर जी, कहते उनके बराबर अगर कोई व्यक्ति अगर वैष्णव निंदे तार तब तार नाश जाए कहे शास्त्र वृंदे, तभी भी तार उसको नाश हो जाता है, समस्त शास्त्र कहते उसको उसकी नाश हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर और एक चीज है, जैसे कभी कभी हमारे बुधैन महाराज तुम लोग को शासन कर देते हैं, क्यों याद नहीं किया, क्यों मुखस नहीं किया, तुम बोलो कि फिर इनका तुम्हारे चरण में अपराध हो रहा है। कहते नहीं, यह अपराध तभी होता है जब द्वेष पूर्वक कोई करे, किसको द्वेष करके हैं इसका सर्वनाश हो जाए, हैं इनकी ईर्ष्या द्वेष पूर्वक अगर कोई करता है तभी अपराध। लेकिन हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो सीनियर वैष्णव लोग कभी कभी हमें जो अपराध कहते हैं, हमको भक्ति जगत में बढ़ाने के लिए, भक्ति जगत में हमें आगे बढ़ाने के लिए, वो द्वेष पूर्वक नहीं, हमारा हमारे प्रति प्रीति, हमारे प्रति दया प्रीति पूर्वक स्नेह पूर्वक वैष्णव लोग शासन करते हैं, इसमें ये अपराध नहीं होगा। इसमें अपराध अपराध तभी होगा, अपराध राध मतलब होता है प्रीति, जब तुम्हारी है, जब प्रीति जब कम हो जाता है ना, वो तभी अपराध होता है, तभी ये अपराध होता है। अगर हमें कोई भक्त में बढ़ाने के लिए अगर शासन करे उसमें, बल्कि हमारी कल्याण होता है, बल्कि कल्याण है, मंगल होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं सुलोपानी यहाँ पर कह रहे हैं कहते उन्होंने कब अपराध किया, सची मान कब अपराध किया है, अपराध कब किया? बोले जिस समय विश्वरूप अद्वैता की सभा में जाते थे विद्या अध्ययन करने के लिए, लेकिन उनके पास में विद्या अध्ययन करते करते महाप्रभु का जो बड़े भाई विश्वरूप जाते थे विद्या अध्ययन करते थे, अद्वैताचार्य स्वयं सदाशिव है, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, जो हर समय पंचमों में भगवान की जस को महिमा को गाते हैं, केवल उसी समय में ही एक अद्वैत आचार्य थे जो गीता भागवत वेद पुराण को केवल भक्ति परक व्याख्या करते थे, लेकिन और जितने बड़े बड़े पंडित होते थे, जितने बड़े बड़े पंडित होते थे कोई भक्ति भक्ति व्याख्या नहीं करते थे। इसलिए कहते श्री विश्वरूप अद्वैत आचार्य जी का टोल में जा करके कथा सुनते सुनते, गीता भागवत समस्त शास्त्र सुनते 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 उनको विषय से वैराग्य हो गया। बोले क्यों? कहते अगर किसी शुद्ध वैष्णव से अगर हरि कथा सुनोगे ना, विषय से जरूर तुम्हारी वैराग्य होगा ही, वो जरूर होगा ही है, क्योंकि जितने सारे शास्त्र है ना, क्या कहता है, बोले श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी
भजिए राम सब काज विसारी। जितने श्रुति सिद्धांत वेद पुराण, अगर सारे शास्त्र को अगर मंथन करोगे ना, मंथन से क्या निकलेगा, बोले भजिए राम सब काज विसारी। केवल एक सिद्धांत निकलेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे शास्त्र एक ही बात कहता है, भजिए राम सब काज विसारी, सारे काम को पीछे कर दो, राम को भजन करो। इसलिए मनमना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर। केवल यही भगवान के निर्देश है। समस्त शास्त्र एक ही बात कहता है, भागवत पढ़ो। भागवत में क्या है, जितने ध्रुव प्रहलाद जितने चरित्र से सुनोगे ना, सारे चरित्र में एक ही सिक्ख्या है। जितने बड़े बड़े राजा थे, विषय भोग करते करते किसको साथी नहीं मिला। जजाति महाराज ने अपना बेटे का भी जोगाने ले लिया, तब भी भोग किया, कहीं सुख नहीं मिला। लास्ट में क्या बोले, न जात काम उपभोग्य न संबते। ये कभी संसार का विषय भोग करते करते जीव कभी संतुष्ट नहीं होता है। हविषा एव वर्धते, जैसे अग्नि में जितने घी डालो ना, वो आग उतना धधकता। अगर कोई बोलेगा नहीं थोड़ा विषय भोग कर ले, विषय भोग करके जब उसमें अतृप्त हो जाएगा ना, फिर भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे। अभी तो हमारे हृदय में विषय का भी पास, बोले नहीं भैया, आग में जितना घी डालोगे ना, क्या होगा, वो धधकेगा, वो कभी कम नहीं होगा। तो वो जितना उतना ही धधकते रहेगी उतना, और वो संस्कार इतने बुरी संस्कार बढ़ जाती है। प्रहलाद महाराज बच्चों कह रहे ना, बोले एक रात जो स्त्री को साथ में रहता है, एक रात मरने का पहला तक भी वो स्मृति को नहीं भूल सकता है। प्रहलाद बच्चों को सिखाया, एक रात जो स्त्री को साथ में संग करता है, सारा जीवन में कभी भी मृत्यु तक भी वो स्मृति को भूल नहीं सकता है। इतने उसका अंदर में इतने बुरा संस्कार उसका अंदर में इतने बढ़ जाते हैं। और जिंदगी भर जो विषय भोग करते 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 आएगा, वो कभी भूल सकता है विषय को, भूल नहीं सकता कभी भूल। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अब देखना वहां पर बोल दिया, कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान बचपन से भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापा में भजन नहीं हो सकता है। उन्होंने पूरा डायरेक्ट मना कर दिया, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए क्यों, संस्कार तुम्हारी बिगड़ गया। इसलिए कहते सबसे ज्यादा जो चार जो उसमें आया ना बात, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, सबसे कठोर तपस्या किसमें, बोले वानप्रस्थ में। अब सप्तम स्कंद में पढ़कर देखो, बाल नहीं कटनी चाहिए, नाखून नहीं कटनी चाहिए, फल मूल खाकर रहनी चाहिए, बलकल को पहनकर जा रहनी चाहिए, इसको इतने बड़ा कठोर पता है। बोले क्यों, बोले संसार में तुम्हारे चित्त को तुमने जो अपवित्र कर दिया, वो संसार विषय भोग करते करते उसको केवल भोगने उसको भूलने के लिए तुमको 25 साल तक कठोर तपस्या करो। वो भूला नहीं जाता है, वो चीज को भूल नहीं पाता है जीव, इतने बुरे संस्कार पड़ जाती है, है? इसलिए जब अद्वैत आचार्य जी के पास में इन्होंने पढ़े, कौन विश्वरूप, उनको क्या पता चला, संसार अनित्य है, संसार अनित्य है। इसलिए नित्य भगवान की भक्ति ही नित्य है। इसलिए भजिए राम सब काज विसारी, इसलिए सब छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वहां संन्यास ले लिया, और सची माँ को तो बड़ा कष्ट हुआ, इतने कष्ट हुआ सची माँ को, है? उसको बाद में फिर क्या हुआ, जब फिर महाप्रभु गया से वापस आए, गया से वापस आने का था, महाप्रभु ऑलरेडी शादी कर चुके थे, उनके घर में विष्णु प्रिया थी, पहले लक्ष्मी प्रिया तो शरीर छोड़ दिए, विष्णु प्रिया थी, उसको बाद में महाप्रभु ने किया कि जब गया से आए, फिर उन्होंने से अद्वैत आचार्य के पास में महाप्रभु चलना शुरू कर दिया। जब महाप्रभु फिर उनके पास में चलना शुरू कर दिया, सची माँ इतने दुखी हुई, है इतने दुखी हुई, यहाँ पर कहते सही दुख है, सब यही बोली लेने आई, के बोले अद्वैत द्वैत बड़ा ही गुसाई। मैया ने बोले बोले हाँ सही दुख है, सब यही बोली लेने आई, उसी दुख में आई ने क्या बोले, के बोले अद्वैत द्वैत बड़ा ही गुसाई। जो कौन कहता है अद्वैत, अद्वैत मतलब क्या है, आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, जो दो नहीं एक है, मतलब जो परिवार को एकत्रित करके रखता है, लेकिन ये तो द्वैत है, ये तो हम सबको अलग कर रहा है। एक पुत्र था लिया, चंद्र जैसे पुत्र था, विश्वरूप बड़े कितना अच्छा बेटा था, एक पुत्र कर लिया, लगता है ये जो बेटा है ना छोटा निमा है, ये भी देखता हूँ धीरे धीरे ये भी उसको पास में चलना क्या शुरू कर दिया, पता नहीं ये क्या मंत्र दे रहा है पता नहीं इसको क्या मंत्र दे रहा है, हो ना हो ये भी संसार छोड़ नहीं दे। इसलिए माँ ने, इसलिए यहाँ पर
माँ ने बड़ी दुखी होकर के उन्होंने ये बात बोल दी। लेकिन ये बात को कहते ये अनाथ रे दुखो के हो बुझा से, कहते ये अनाथ का दुख कौन बुझेगा। इसलिए इतना जो अपराध हुआ है केवल द्वैत महाप्रभु सर्वंतर जम सब जानते, इतने में महाप्रभु बोले इन्होंने अपराध किया, वैष्णव अपराध किया है। अद्वैत आचार्य कैसे बोले हैं कि महाविष्णु सदा से, इसलिए उनके चरणों में माफी मांगना पड़ेगा, इसलिए सचिव महा को भी जाकर माफी मांगना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। देखो ये प्रभुपाद इस विषय को क्या करे, ये चीज को आप लोग सुनो क्या बोलते हैं। कहते अभी यहाँ पर प्रश्न होता है सचिव माँ कौन है, ये भगवान की माँ है, ठाकुर जी की माँ है। कहते ठाकुर जी की अगर माँ हो अपराध किसको होता है, बद्ध जीव का अपराध होता है, मुक्त जीव का अपराध नहीं होता है। अपराध किसका होता है, बद्ध जीव का अपराध होता है। लेकिन सच्ची माँ कौन है, ये साक्षात भगवान की माँ, माँ जसोदा है, ये माँ है देहोदी है, ये कौशल्या देवी है, सारी भगवत अवतार की मूल माँ सच्ची माँ। पर ये सच्ची माँ कैसे वैष्णव अपराध कैसे कर सकती है, ये सच्ची माँ कैसे अपराध, ये अपराध कौन करेगा। प्रभुपाद कहते भगवत सेवा विमुखर अभिनय कर छिले, यहाँ पर केवल उनने अभिनय किया था, लेकिन ये कभी नहीं, ये बात को नहीं बोल सकते भगवान की माँ। भगवान स्वयं जा रहे सन्यास बन करके, इसलिए महाप्रभु जो सची माँ को बोले हैं, बोले माँ बताओ अभी मैं कहाँ पर रहूं हैं। माँ ने बोले बेटा दूर मत जाइयो, मेरे से पास में रहो, जैसे बीच बीच में तुम्हारी खबर आते रहे। लेकिन माँ बोले नहीं, तुम वापस चले आ, घर में पत्नी है, महाप्रभु को बोल सकते थे नहीं बेटा घर में, उन्होंने नहीं बोले, बोले ठीक है बेटा तू सन्यास ले लिया अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा दूर में पास में रहा करो, बीच बीच में तुम्हारी खबर मेरे को मिलते रहे, मेरे को तसल्ली मिलेगी। बोले ठीक है माँ, मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा, तुम बोल रहे हो उन्होंने जगन्नाथपुरी में आए हैं। हाँ देखो ये एक दूसरी चीज क्या है, बहुत एक अच्छी बात बताए। कुछ कुछ लोग कुछ अद्वैत तत्व को लेकर कुछ तो भ्रमित है, कुछ ऐसे संप्रदाय का लोग है वो क्या सोचते हैं, ये जो इनका नाम अद्वैत है, हैं भगवान से जो अभिन्न होने का नाते ये अद्वैत है। कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये जो अद्वैत आचार्य जी भगवान और जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने ये भक्त है, अद्वैत आचार्य जी कुछ संप्रदाय से कुछ लोग है क्या सोचते हैं अद्वैत आचार्य जी स्वयं भगवान यही है, महाप्रभु और जो ये नित्यानंद प्रभु ये उनका भक्त है, इसलिए भगवान कौन है अद्वैत आचार्य। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर महाप्रभु ने क्या बोले, माँ को तुमने वैष्णव अपराध किया, भगवत चरण अपराध किया, उन्होंने नहीं बोले, क्या बोले तुमने वैष्णव अपराध किया है। इसलिए वैष्णव अपराध महाप्रभु को पता है, परवर्ती समय में ऐसे कुछ संप्रदाय का लोग ऐसे कुछ आएंगे जो कि अद्वैत को भगवान मानेंगे, महाप्रभु कोई राधा रानी मानती, राधा रानी अद्वैत आचार्य स्वयं कृष्ण है, इसलिए ये अपराध नहीं करे। इसलिए पहले ही बोल दिए वैष्णव अपराध किया, अद्वैत आचार्य भगवान नहीं, अद्वैत आचार्य कौन, ये वैष्णव है। इसलिए अकेला ईश्वर कृष्ण सब धार मृत्य जारे जय से नैसे तैसे करे मृत्य, अकेला ईश्वर कृष्ण, कृष्ण ही केवल ईश्वर है। साक्षात बलदेव प्रभु जिनका दासो तो कर रहे अभिन्न होते हुए अभी काले केवल गोरे हैं, लेकिन अपना को क्या मानते हैं, मैं जगन्नाथ जी का सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ। इसलिए महाप्रभु ने ये चीज को बहुत कुछ चीज सिखा देने के लिए महाप्रभु ने ये लीला किया है। भले वंशागल बुद्धिवस कृपा सिंधु भय वचन भक्तानाम पावने भो वैष्णव भो, बोले श्री अद्वैत आचार्य की, सच्ची मैया की, सच्ची नंदन गौर हरि की, निताय गौर ब्रह्मानंद बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। बोलो सब Yeah.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Gola. Gola Hare Rama, Hare Rama. Thank you.